गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज रेपो रेट के बारे में जानेंगे। ये जो लेक्चर है हमारा, ये बैंकिंग सेक्टर में जो जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं, खास तौर पे जो सेमेस्टर 3 में हैं, उनका एक पेपर है GE 3B मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, और जो सेमेस्टर 4 में भी हैं, जो जिनका पेपर कोड है, जो सब्जेक्ट है, पेपर कोड है GE 4B इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ये उनके लिए ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ऐसे भी रेपो रेट के बारे में हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। ये अक्सर हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि रेपो रेट में चेंजेज आया है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग रेपो रेट के बारे में सबसे पहले इसको इसके मीनिंग को समझेंगे, फिर इसका करेंट रेट क्या है, देखेंगे कि रेपो रेट को डिसाइड कौन करता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है इसको जानना हमारे लिए, रेपो रेट को, ये इन सभी बातों की आज हम चर्चा करेंगे। काफ़ी बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा लेक्चर है, पूरा लेक्चर सुनेंगे रेपो रेट के बारे में, आपको अच्छा अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और जब इसको आप समझ जाएंगे ना, तो ठीक इसी का रिवर्सल में रिवर्स रेपो रेट होता है, आप उसको भी समझ पाएंगे। लेकिन पहले रेपो रेट को जानना ज़रूरी है। आइए हम लोग इसके मीनिंग को समझते हैं। कहता है कि इट इज़ दी इंटरेस्ट रेट, ध्यान दीजिएगा, बस इतना सा याद रखना है, ये इंटरेस्ट रेट है। इट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। कहता है कि जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, वो मनी देता है, लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, तो जिस रेट पे वो लोन देता है ना, उसी रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। फिर से समझेंगे, देश का जो सेंट्रल बैंक है, वो जो देश के कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पे लोन देता है, उस रेट को, उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहेंगे, रेपो रेट कहेंगे, है ना। सेंट्रल बैंक जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है, उस रेट को, उस इंटरेस्ट रेट को हम रेपो रेट कहेंगे। आइए आगे देखते हैं। दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, यूजेज रेपो रेट टू रेगुलेट लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ये जो रेपो रेट है ना, इसको इसको ये जो देश हमारा जो RBI है, इसको यूज करता है, ये रेपो रेट को यूज करता है इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। जो RBI है, इस रेपो रेट को यूज करता है किस लिए यूज करता है, तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए। इकोनॉमी में लिक्विडिटी मतलब मुद्रा की मात्रा को रेगुलेट करने के लिए यूज करता है, ठीक है। व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ध्यान दीजिएगा, फंड्स का शॉर्टेज है, कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक विच इज रिपेड अकॉर्डिंग टू दी रेपो रेट एप्लीकेबल। कहता है कि जब फंड का शॉर्टेज हो जाता है, कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं मनी फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक, जब कमर्शियल बैंक्स के पास फंड का शॉर्टेज रहता है, तो वो मनी बोरो करते हैं सेंट्रल बैंक से, विच इज रिपेड, जिसका कि भुगतान करते हैं वो अकॉर्डिंग टू दी रेपो रेट एप्लीकेबल। जो रेपो रेट एप्लीकेबल रहता है उस समय, उस रेट पर वो उसका भुगतान करते हैं उस इंटरेस्ट के साथ में। दिस मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज्ड बाय दी सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और इंक्रीज दी लिक्विडिटी ऑफ बैंक्स। ये जो एक तरह से मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट है, तो दिस मॉनेटरी पॉलिसी इज
यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक, इसको सेंट्रल बैंक यूज करता है टू कंट्रोल, ध्यान दीजिएगा, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ बैंक्स। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में या लिक्विडिटी जो इंक्रीज कर रहा ना, इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ बैंक्स, बैंक्स के लिक्विडिटी लिक्विडिटी जब इंक्रीज करता है तो उसको कंट्रोल करने में इन्फ्लेशन के साथ साथ ये जो बैंक का लिक्विडिटी है उसको उसको कंट्रोल करने में, उसको कंट्रोल करने के लिए ये इस मॉनेटरी पॉलिसी को, रेपो रेट को सेंट्रल बैंक यूज करता है। ठीक है, आगे देखिए, द गवर्नमेंट इंक्रीजेज द रेपो रेट। ये जो गवर्नमेंट है ना, रेपो रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। व्हेन दे नीड टू कंट्रोल प्राइसेस, जब प्राइस को लगता है कि कंट्रोल करना आवश्यक है, एंड रिस्ट्रिक्ट बोरोइंग्स, और ये जो बैंक्स का जो बोरोइंग होता है, जो सेंट्रल बैंक से ये लोन लेते हैं, अगर चाहता है कि उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, प्राइस को कंट्रोल किया जाए, तो गवर्नमेंट ना रेपो रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। गवर्नमेंट रेपो रेट को बढ़ा देता है जब उसको ऐसा लगता है कि प्राइस कंट्रोल की आवश्यकता है, बैंक्स के बोरोइंग को रिस्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है, तो रेपो रेट को बढ़ा देता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द रेपो रेट इज डिक्रीज्ड, रेपो रेट को ये गवर्नमेंट घटा देती है, व्हेन देयर इज अ नीड टू इन्फ्यूज मोर मनी इनटू द मार्केट एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। जब ये ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में, मार्केट में मनी की मात्रा को बढ़ाना है और मनी को भेजना है, तो ये करती क्या है ना, बैंक, ये जो सेंट्रल बैंक है देश का, वो रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करने से होगा क्या कि बैंक सब ना ये जा करके सेंट्रल बैंक से लोन ले लेते हैं, तो इससे इससे क्या होता है, इकोनॉमी में, मार्केट में, बैंकिंग सेक्टर में और मनी आ जाता है, जिससे इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, अगर रेपो रेट घटा देगा तो बैंक स्वाभाविक है कि वहाँ से जाके लोन लेगा, आरबीआई से लोन लेगा, और जब ऐसा बैंक करते हैं तो मार्केट में मनी की मात्रा बढ़ती है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। एन इंक्रीज इन रेपो रेट मीन्स कमर्शियल बैंक्स हैव टू पे मोर इंटरेस्ट फॉर द मनी लेंट टू देम, एंड देयरफॉर अ चेंज इन रेपो रेट इवेंचुअली अफेक्ट्स पब्लिक बोरोइंग्स सच एज होम लोन्स, ईएमआईज। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, एन इंक्रीज इन रेपो रेट, रेपो रेट बढ़ गया मीन्स, अब रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा कि कमर्शियल बैंक्स हैव टू पे मोर इंटरेस्ट, उनको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। रेपो रेट बढ़ा हुआ है तो कमर्शियल बैंक को अधिक इंटरेस्ट रेट पर खुद लोन मिला है, तो क्या करेंगे, अधिक लोन पर पब्लिक को लोन, और वो भी अधिक रेट चार्ज करेंगे। तो ये जो जो मनी वो लेते हैं, अगर रेपो रेट बढ़ा हुआ तो उनको महंगा महंगे दर पर मिला, तो स्वाभाविक है कि कमर्शियल बैंक भी महंगे दर पर पब्लिक को देंगे, आम जनता को लोन। एंड देयरफॉर अ चेंज इन रेपो रेट, अगर रेपो रेट में चेंज आता है तो इवेंचुअली अफेक्ट्स पब्लिक बोरोइंग्स, वो स्वाभाविक है कि वो उसका प्रभाव पब्लिक बोरोइंग्स पर पड़ेगा, सच एज होम लोन्स, ईएमआईज। रेपो रेट में बदलाव आएगा तो स्वाभाविक है कि इसका असर पब्लिक बोरोइंग्स पर पड़ेगा, होम लोन्स पर पड़ेगा, ईएमआईज पर इसका असर पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं कि करेंट रेपो रेट क्या है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा लेक्चर है आज, ये 4 सितंबर 2022 का है, तो आज जो हमारा ये जो रेपो रेट का रेट है, ध्यान दीजिएगा, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी अनाउंस्ड इन अगस्त 2022 द रेपो रेट दैट द रेपो रेट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 50 बेसिस पॉइंट्स एंड द रेट इज नाउ 5.40%। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, अगस्त 2022 में ये जो रेपो रेट का जो रेपो रेट है, उसका जो इंटरेस्ट का जो रेट है, वो अभी फिलहाल
अगस्त 22 में ये 5.4% है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आरबीआई मनी आरबीआई ये समय समय पर इन्फ्लेशनरी कंडीशन को देखते हुए, महंगाई दर को देखते हुए ये सब इसको चेंज करते रहता है। ठीक है, आइए आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमसे कोई पूछे कि ये रेपो रेट जो है इसको डिसाइड कौन करता है, तो ध्यान दीजिएगा, दी रेपो रेट इज सेट बाय दी रिजर्व बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। रिजर्व बैंक का एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होता है रिजर्व बैंक का, वही रेपो रेट को डिसाइड करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ये रेपो रेट को डिसाइड करती है। और अब देखेंगे कि वाई रेपो रेट इज इम्पॉर्टेंट, इसको इसको जानना, इसको समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी को जानना चाहिए इसको, रेपो रेट का क्या महत्व है, आइए देखते हैं। रेपो रेट इज अ पावरफुल आर्म ऑफ द इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी है उसका एक पावरफुल आर्म माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी है उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्म माना जाता है, जो करता क्या है, दैट कैन कर सकता है रेगुलेट दी कंट्रीज कंट्रीज मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन लेवल्स एंड लिक्विडिटी। कंट्री के मनी सप्लाई को, कंट्री में कहले मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन लेवल को, और क्या है भाई, तो लिक्विडिटी को, इन सभी को क्या करता है, रेगुलेट कर सकता है, रेगुलेट करता ही है मॉनेटरी, ये रेपो रेट, इसको बहुत ही पावरफुल आर्म माना जाता है मॉनेटरी पॉलिसी का, है ना। एडिशनली दी लेवल्स ऑफ रेपो रेट रेपो हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फॉर बैंक्स। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, तो बैंक के बोरोइंग पर। बैंक बोरोइंग का जो कॉस्ट है ना, मतलब जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है तो उस पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। रेपो रेट में चेंजेज आएगा तो ये जो बैंक है ना, उनका जो बोरोइंग्स है उसका कॉस्ट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, हायर द रेपो रेट, हायर इंटरेस्ट, हायर हायर विल बी दी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर बैंक्स। ये जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक का जो बोरोइंग का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, एंड वाइसी वर्सा। अगर ठीक इसी का उल्टा, अगर रेपो रेट घट जाएगा ना, तो रेपो रेट घटने से बैंक का जो बोरोइंग कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको पावरफुल आर्म माना जाता है। तो ये लेक्चर हमारा काफ़ी छोटा था आज का, हमको ऐसा लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। हम लोग आज के इस छोटे से लेक्चर में हम लोग चार बातों को जानने का प्रयास किए, क्या है रेपो रेट, अभी करेंट रेट क्या है, कौन डिसाइड करता है, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर हमारा आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू आप सबों को, लाइव बने रहने के लिए।